explanation of H alpha lines on basis of Sommerfeld model. The H alpha line arises from transition n is equal to 3 to n is equal to 2. For n is equal to 3, the sub states are 3 for k is equal to 3, 2, 1. For n is equal to 2, the sub states are 2 for k is equal to 2 and 1. The selection rule will be delta k is equal to plus minus 1. So n is equal to 3, so you are getting 3 substate. K is equal to 3, k is equal to 2, k is equal to 1. For n is equal to 2, only 2 substate, k is equal to 2, k is equal to 1. ये सिलेक्शन रूल है कि k में चेंज प्लस 1 या माइनस 1 का होगा. तो k इज इक्वल टू 3, 2, 2. ये चेंज फाइनल स्टेट 2 है, इनिशियल 3 है, तो 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1. तो ये चेंज अलाउ है. k इज इक्वल टू 3, 2, 1. ये चेंज अलाउ नहीं है क्योंकि k यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो डिफरेंस 2 हो जाता है. अब इस पे आते हैं, k इज इक्वल टू 2, 2, k इज इक्वल टू 2, तो वो अलाउ नहीं है क्योंकि 0 नहीं है. तो यहाँ से लाइन ये मिलेगी k इज इक्वल टू 2, 2, 1, और कोई लाइन नहीं मिलेगी. k इज इक्वल टू 1, 2, 2, ये लाइन मिलेगी. एंड k इज इक्वल टू 1, 2, 1, ये लाइन नहीं मिलेगी. दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, दिस इज द थर्ड लाइन. ओके, द intensity of second line is more than the intensity of first line and intensity of third line is very low. ये तो हो गया. ये this is
ड्रा बैक ऑफ समरफील्ड मॉडल ड्रा बैक ऑफ समरफील्ड मॉडल फर्स्ट द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इंक्लूजन इन थ्योरी शो द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व लाइन्स आर सिक्स विच is not predicted by theory. ठीक है. Third, the selection rule डेल्टा के इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इज आर्बिट्रेरी. फोर, दिस मॉडल कैन नॉट extended to multiple electronic system. ठीक है, नोट कर लो. ये इधर मिटा दे. हाँ, तो उसके बाद क्या है? फिफ्थ, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय
this three. So this is the complete vector atom model. The vector atom model is based on first electron has orbital magnetic moment, second, the electron has a spin magnetic moment and space quantization rule, i.e. the orbital and magnetic moment can take orbital and spin magnetic moment can take only some orientation कि कुछ ओरिएंटेशन ही ले सकते हैं, सभी ओरिएंटेशन नहीं ले सकते हैं. इधर मिटा रहे हैं. The orbital and spin magnetic moment of the electrons will sum up to give total magnetic moment. ठीक है, अब यहां से आते हैं. Hence we define term value spectroscopy
टर्म सिंबल फॉर एटम एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट गिव रेडिएशन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम सो दे कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन वेक्टर एटम मॉडल जो है ये एक कंसेप्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होता है और ये मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह का होता है, एक ऑर्बिटल मोशन के द्वारा और एक स्पिन के द्वारा। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो वो जब इंटरैक्ट करते हैं तो उनके इंटरैक्शन की वजह से हम डिफरेंट स्टेट जैसे बोर मॉडल में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का स्टेट डिफाइन किया था, तो अब हम एटम का स्टेट डिफाइन करते हैं कि जब उसको हायर में जाएगा तो उसका ये स्टेट होगा, उसके हायर में जाएगा तो ये स्टेट होगा। तो उस स्टेट से जब एटम जम करता है ग्राउंड स्टेट या किसी अन्य स्टेट पर, तो वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन के स्टेट का चेंज होता है, लेकिन एज ए होल उसमें एटम के स्टेट का चेंज हो जाता है और वो चेंज रेडिएशन यानी लाइट को इमिट करता है। और इसमें सिर्फ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेते हैं। ठीक है, ये बोर थ्योरी में आपने पढ़ा है कि बोर थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके पार्ट है, वो एटम के पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर बढ़ेगी तो क्या एटम की एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो हम इलेक्ट्रॉन पे फोकस करने के बजाय एटम पे क्यों नहीं फोकस करें? क्योंकि एटम में टोटल जो इफेक्ट आ रहा है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कंट्रीब्यूशन से आ रहा है। तो वास्तव में हमें इलेक्ट्रॉन पे फोकस न करके एटम के पर फोकस करना चाहिए कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या स्टेट बना रहे हैं। तो वो स्टेट एटम का होता है। तो दिस इज नोन एज ए वेक्टर मॉडल। तो उसका आधार क्या है भाई? आधार तो तीन है। पहला है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और ये ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर स्पेस में क्या सभी ओरिएंटेशन ले सकते हैं?
ये ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कि दिस इज ओके फॉर एल इज इक्वल टू वन, दिस इज एम एल इज इक्वल टू वन, एम एल इज इक्वल टू जीरो, एम एल इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एम एल एल इज इक्वल टू वन के लिए एम एल की वैल्यू 3 होती है। तो एम एल की वैल्यू ये 3 ही क्यों है? मतलब ये एक एंगल बना सकता है जेड एक्सिस से। एक्चुअली ये जेड एक्सिस है, ये प्रीफर्ड एक्सिस कहलाता है कि जेड एक्सिस से ही हम लोग करते हैं। तो वो ये एंगल लेता है थीटा 1, ये लेता है थीटा 2, ये लेता है इससे थीटा 3। तो ये बस यही थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ही ले सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई और वैल्यू ले लेगा ओरिएंटेशन के लिए। तो इसको कहते हैं कि स्पेस में इसका ये एंगल फिक्स है, इसका ये एंगल फिक्स है। जैसे एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो 13.6 क्या बदल जाती है? 13 किसी में 7 क्यों नहीं होती है, किसी में 8 क्यों नहीं होती है, किसी में 10 क्यों नहीं होती है, किसी में 12 क्यों नहीं होती है? तो वो एक फिक्स वैल्यू है, तो दैट इज नोन एज ए क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो इसी तरह से ओरिएंटेशन, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप कहीं भी बैठेंगे लेकिन बेंच पर ही बैठेंगे, और बेंच आर इनर्जी स्टेट ऑफ योर सिटिंग। तो वो बेंच पे बैठ सकते हैं या ये बेंच पे बैठ सकते हैं, लेकिन इसके बीच में नहीं बैठ सकते। तो दिस इज क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, तो आपके बैठने की जगह भी क्वांटाइज्ड है, आर्बिट्रेरी नहीं है। ठीक, तो ये स्पेस क्वांटाइजेशन का रूल है। तो ये सभी चीजें हम लोग लागू करेंगे, लेकिन हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, यहाँ से बैठकर एटम मॉडल से शुरू करना है, ये यहाँ से शुरू होगा बैक्टेरियम।
हो गया ओके। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस हैंस इट सेटअप द मैग्नेटिक डाइपोल। सो म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई इज करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इज एरिया ऑफ द ऑर्बिट, लेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज इक्वल टू आर एंड वेलोसिटी इज वी। सो टी इज इक्वल टू टोटल पाथ ट्रेवल इन वन राउंड डिवाइडेड बाय स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज टू पाई आर। ठीक है, बाय वी। क्या टाइम पीरियड कितना होगा? बाय वेलोसिटी वी इज इक्वल टू एक्स बाय टी, सो टी इज इक्वल टू एक्स बाय वी। ठीक है ओके। सो आई इज इक्वल टू ई बाय टी दैट इज ई इज इक्वल टू ट्वाइस बाय आर। ये करंट हो गए आई इज इक्वल टू ई बाई टी। ठीक है, एंड देन यू हैव एरिया ई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हेंस म्यू एल इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ई वी बाई ट्वाइस पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हाफ एंड आर आर कैंसिल आउट हाफ EV। ठीक है, EV R from
definition of angular momentum L is equal to mvr. So vr is equal to L by m. This is equation number first, this is equation number second. Hence mu L is equal to half Rv into E, that is 1 by 2 Rv ki value L by M, L by M into E. This is E by twice M. This is E, mass of electron, and this is mu L. And this is minus sign. Why? Due to electron has minus sign. Minus sign is due to negative charge on electron. ठीक है, ये नोट कर लिया. Mu L by L is called as zero magnetic ratio. Hence mu L by L is equal to E by twice M. Similarly, the spin magnetic moment is given by mu s is equal to minus g e to the power twice m e s. G is lambda G factor. Here it is 2. ठीक है, टाइम हो गया. कहीं स्टॉप करते हैं, बहुत कम बच गया है. सर का छुट्टी मना रहे हैं, वो अगले हफ्ते तक मनेगा. ठीक, इसको बंद कर देना.